हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेमडा गेमिंग। और ये है हिटमैन वन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो। ये 2000 लॉन्च हुआ था, द फर्स्ट एवर हिटमैन। पीसी गेम है, बहुत ही छोटा गेम है साइज में, बट मिशंस बहुत ही खतरनाक हैं। तो ये नेक्स्ट सीरीज़, नेक्स्ट मिशन है, मिशन नंबर 10। इसमें बेसिकली जिस बॉस को हम लोगों ने ट्रैक किया था लास्ट मिशन में, उस बॉस का को फाइनली पता चल गया वो कहाँ पर है। तो वो एक शिप पर है, वहीं पर हमें जाना है उस डॉक पे, उस बॉस को मारना है। और उस शिप पे एक न्यूक्लियर वेपन है, उस न्यूक्लियर वेपन को डिफ्यूज़ करना है। और जो शिप है उसको वहाँ से चला के इंटरनेशनल वाटर्स में ले जाना है। तो तीन पार्ट है मिशन के और हम लोग तीनों पार्ट करेंगे। ये मिशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अगर तुम इधर उधर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले जहाँ पे आते हो वहाँ पे गार्ड, ये वाला गार्ड खड़ा है, इसको पीछे जाओ, पीछे से स्नीक करके मारना है। अगर डायरेक्ट मारते हो तो कभी कभी क्या करता है, ये पलट जाता है और फिर सारे गार्ड तुम पर गोली मारने लगेंगे। तो बेटर ये है कि स्नीक करके मारो, इसको स्नीक करके मारो। इसकी इसकी बॉडी वहीं पर ड्रैग करके डाल दो जहाँ पर कि वो बंदा है, क्या नाम है, जहाँ से हम लोग आए हैं वहीं पे इसकी बॉडी को डंप कर देना है। क्योंकि एक दूसरा गार्ड भी है जो यहाँ पे राउंड मारता रहता है, इसकी बॉडी को अगर डंप नहीं करेंगे तो वो देख लेगा और फिर सभी गार्ड्स अलार्म्ड हो जाएंगे और तुम जहाँ भी जाओगे तो वहाँ पे गोलियाँ बरसने लगेंगी। तो इसकी बॉडी को डंप करना ज़रूरी है। इसकी बॉडी को डंप करने में बहुत ही पंचायत है, एक बार में वो नीचे गिरता नहीं है, तो दो तीन बार लगता है। तो इस बार मैंने ट्राई किया कि इसकी देखो आधे पे लाके छोड़ूंगा ना तो अपने आप जाएगा नहीं, मैं गिर जाऊंगा वो नहीं गिरेगा, इसीलिए मैं पहले आधी बॉडी उसकी इधर करके फिर दोबारा से उसके लेग को ड्रैग किया और धीरे धीरे मैंने उसको नीचे गिराया। देखो तो कभी कभी ऐसा होता है ये साला गिरता भी नहीं है, तो ध्यान रखना। और इसके बाद बस इसके क्लोथ ले लो, और बहुत ही बड़ा मैप है, और शिप तक, जिस शिप में वो बॉस छिपा है वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको तीन गेट क्रॉस करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं क्रॉस करूँगा वैसे ही तुम लोग कर लेना, इजी है, वरना और कोई तरीका नहीं है क्रॉस करने का बिना फायर किए। अगर शांति प्रिय तरीके से जाना है तो यही तरीका है। तो जितने भी गेट्स आएंगे, ये जो लोहे के गेट्स हैं उसमें एक चैनल बना है, वहाँ पर दो गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें मना कर देगा गार्ड, और फोर्सफुली घुसोगे तो सब गोली बरसाने लगेंगे। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है गेट के पास जाके, और हर गेट में से कोई ना कोई गार्ड हमेशा आता जाता रहता है। तो जैसे ही वो गार्ड गेट में घुसने लगे उसके पीछे 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 चल लेंगे, जैसे असैसिन क्रीड में चुपक किसी के भी पीछे चुपक के चलो तो किसी को पता नहीं चलता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। हालांकि एक बहुत फर्जी लॉजिक है, गार्ड अगर स्मार्ट होगा तो उसे पता चल जाएगा, लेकिन ये तो गेम डिज़ाइन है। तो जैसे अब ये जा रहा है इस फर्स्ट वाले गेट में और ये गेट को खुलवा सकता है, तो हम लोग बस इसके पीछे पीछे लग के हम लोग पार कर लेंगे। अगर अकेले जाऊंगा मैं तो वो नहीं जाने देगा, और ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करूँगा तो वो मेरे पर गोली चला देगा। देखो मैं इसके पीछे आया तो ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस निकल लो यहाँ से। इसी तरह तुम्हें दो और गेट क्रॉस करने हैं। यहाँ पर जैसे उसने गेट खुलवाया मैं पीछे पीछे घुस गया और आप पार कर गया। इस तरह एक और गेट है वो पार करना है। अब दूसरा पार्ट इस मिशन का ये है कि उस बॉस को मारना है। तो उस बॉस को मारने के दो तरीके हैं, एक ये जो जिससे मैंने खेला, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ के सारे गार्ड्स को मार दो और उसकी गाड़ी में बम प्लांट कर दो, तो जैसे ही वो भागेगा गाड़ी से तो वो खुद ब खुद मर जाएगा। तो वो दूसरा तरीका भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, हालाँकि मैंने पहला तरीका आजमाया जो अभी बताऊँगा वो कैसा है। तो ये थर्ड गेट पार किया, थर्ड गेट के जस्ट सामने हमारी शिप है, वो देखो शिप है, अभी रेंडर नहीं हुए, थोड़ी देर बाद रेंडर होगी, ब्लू कलर की शिप है। और शिप के गार्ड्स का ड्रेस थोड़ा अलग है, इसलिए हम लोग को एक और गार्ड को मारना पड़ेगा शिप के गार्ड्स के ड्रेस में, अपने आप को कैमोफ्लॉज करने के लिए।
यहाँ पीछे से जाना है, यहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता है, तो इसको तब मारना है जब सामने देखो एक गार्ड वॉक कर रहा है, उस गार्ड के जाने के बाद इसको मारना है। मैं देख रहा हूँ कि वो जाएगा जाएगा, जैसे ही वो गेट क्रॉस करेगा तब मैं इसको मारूंगा फाइबर वायर से, इसको मार के इसका कपड़ा ले लूँगा और इसकी बॉडी को छुपा दूँगा। ये मारा मैंने इसको, वो बॉस जो है वो इसी शिप पे है अभी। जो पहला तरीका जो मैंने अपनाया बॉस को मारने का वो थोड़ा रिस्की है क्योंकि वो भाग जाता है कभी कभी, लेकिन उसकी एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, तो अगर उस ट्रिक से मारोगे तो वो भाग नहीं पाएगा। तो सिंपली क्या करना है, जाना है शिप में, जाओ और यहाँ से मैंने इंजन रूम को देखा था एक बार, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, बाइनाकुलर्स में फर्जी मिले है, उसका कोई रोल नहीं है। ये देखो ये शिप का कैप्टन, हमें उसी रूम में जाके शिप को चलाना है, बट उसके पहले हमें बॉस को मारना है। अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ बहुत भूल भुलैया है तो रास्ता याद रखना कहाँ से कैसे जाना है। अब इसके नीचे जाएंगे, अब देखो जो जो बॉस है वो यहीं पे खड़ा है, ये दो, ये जो सामने मेरे गार्ड खड़ा है, एक सामने खड़ा है एक लेफ्ट साइड में भी मेरे खड़ा है, इन दोनों गार्ड एक कंपार्टमेंट, एक वैली है तो छोटी सी, उसमें वो बॉस खड़ा उसको गार्ड कर रहे हैं, तो मैं उसको इनको मारूंगा और बॉस इन्हीं दोनों, या तो लेफ्ट से भागेगा या तो राइट से भागेगा, और दोनों में से जहाँ से भी भागेगा मैं उसको मार दूंगा। और वो बहुत ही तेज़ भागता है तो तुम्हें उसको चेस करके मारना पड़ेगा, एक बार वो भाग गया तुम्हारा मिशन वैसे ही फेल है क्योंकि तुमने कार में बॉम्ब प्लांट किया नहीं है तो वो भाग जाएगा। तो ये मिशन का क्रूशियल पॉइंट है अगर तुम बॉस को मारने की फर्स्ट टेक्निक अपना रहे हो तो। तो मैं अब मारना शुरू करूँगा, सीधा अंदर जाओ, इसी में बॉस छुपा रहता है, देखो यहाँ पर है वो, ये देखो मेरे को मिला, मैं इसको यहीं पर मार दूँगा। देखो और कभी कभी ऐसा होता है तुम लेट हो जाओगे यहाँ पे तो ये भागने लगता है, तो ये भाग के वहीं पे आएगा जहाँ पे वो दोनों गार्ड खड़े थे, तो वहाँ पे भी अगर वेट करोगे तो ये आएगा और तुम्हें इसको जल्दी से मारना पड़ेगा। इसके पास से दोनों लेटर ले लो, हालांकि उन लेटर्स का कोई काम है नहीं। अब जो भी तुम्हारे सामने है उसको मारो, क्योंकि अब मिशन में मारो या मरो की स्थिति हो चुकी है। अब दूसरा पार्ट मिशन का यह है कि न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, तो न्यूक्लियर बॉम्ब है इंजन रूम में, और इंजन रूम का रास्ता ध्यान से याद रखना, पहले नीचे आना है फिर इधर जाना है। रास्ते हम बहुत भूल भुलैया हैं, मैं बहुत बार फेल इसलिए हुआ था क्योंकि एक बार तो मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि 3 मिनट का टाइम मिलता है न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए बॉस को मारने के बाद, और वो 3 मिनट पास हो गए मेरे को इंजन रूम में, इंजन रूम में जाना है मारना है। अब देखो यहाँ पे 3 गार्ड थे, मैंने तीनों को मार दिया इंजन रूम में, लेकिन यहाँ पे 1 गार्ड था जो मेरे से मिस हो गया, वो यहीं पर है मेरे को दिख नहीं रहा है, तो मैंने सोचा सबको मार दिया है और फिर मैंने न्यूक्लियर बम डिफ्यूज कर दिया। अब इंजन को डिफ्यूज़ करके अब मैं सीधा कैप्टन के केबिन में जाके शिप को चलाऊंगा, क्योंकि मिशन का लास्ट पार्ट है, मिशन का लास्ट पार्ट है कि शिप को इंटरनेशनल बॉर्डर्स में सेल करके ले जाना है। तो मैं अभी उस गार्ड को खोज रहा हूँ, मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई दी थी लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो अब मैं सीधा जाऊँगा, मुझे लगा कि वो मर गया होगा लेकिन वो साला जिंदा है। और करता ये है वो कि अगर कोई भी इंजन क्रू जिंदा रहेगा तो अभी तुम ऊपर जब शिप चलाओगे तो वो शिप का इंजन बंद कर देंगे सब। जा रहा हूँ ऊपर, यहाँ पे रास्ते बड़े भूलभुलैया टाइप के हैं, तो
से जाना, मतलब ध्यान से रास्ता याद रखना, क्योंकि अगर खो गए तो भी टाइम वेस्ट होता है। और जैसे ही बॉस मरता है 3 मिनट में तुम्हें पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब डिफ्यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए इंजन रूम का रास्ता पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कैप्टन को मार दिया, लेकिन कैप्टन को नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा। अभी तक मैंने शिप चलाई, लेकिन क्या होगा कि एक क्रू मेंबर जिंदा है वो अलग से अब फिर से मेरे को जाके उसको मारना पड़ेगा। मैं वापस से इंजन रूम में जाऊंगा। रास्ता बहुत भूल भुलैया टाइप का है। देखो मैं खो गया था यहाँ पे कि कहाँ पे आ गया मैं, तो मुझे याद है यहीं पे गार्ड लोगों को मारा है, उसी के नीचे जाके लेफ्ट साइड में इंजन रूम है। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे एक गार्ड है उसको मारो बस। अब सीधा शिप को सेल कर दूंगा, दैट्स इट, ये मिशन हो गया। बार बार मैं रुक के बस रास्ता देख रहा हूँ कहाँ आया हूँ मैं। वापस से कैप्टन रूम में जाना है और शिप को सेल करते हैं, जैसे मिशन कंप्लीट हो जाएगा। गलती से मेरा बाइनोक्युलर्स दब गया था, कोई जरूरत नहीं है। और यहीं पे मिशन ख़त्म होता है, और इसके बाद शायद 2-3 मिशन और हैं, उसके बाद ये फर्स्ट हिटमैन 1 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Professor, does he know that we are his fathers? Not yet, but I'll send him to visit you when he is finished. Then you can tell him the good news.